हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। आज 12 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सभी जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो जिस स्टैटिक जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, उन सबको कवर करते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हैज़ बीन रिलीज्ड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस रैंकिंग? तो इसमें सही रैंक क्या है हमारी? 85th है भारत की रैंक। और जापान हैज़ मेंटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। पांचवें साल भी जापान जो है इसमें टॉप पर है। इंडियाज़ पासपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड 85th इन दिस रैंकिंग एंड लास्ट ईयर इट वॉज एट नंबर 87। इंडियन पासपोर्ट कैन बी यूज्ड टू ट्रेवल टू 59 कंट्रीज वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल। सिंगापुर एंड साउथ कोरिया आर टाइड सेकेंड इन द रैंकिंग। हु वन द ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2022? चार ऑप्शंस हैं, हैरी ब्रुक, ट्रेविस हेड, सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम। इसका सही जवाब है ए, हैरी ब्रुक। इंग्लैंड्स राइजिंग स्टार बैट्समैन हैरी ब्रुक हैज़ बीन अवार्डेड द ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2022। ऑस्ट्रेलिया स्टार एंड नंबर वन रैंक्ड ऑलराउंडर एशली गार्डनर हैज़ एंडेड द ईयर ऑन अ हाई बाय विनिंग द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2022। ठीक है, तो ये हैरी ब्रुक याद रखिए आप, इंग्लैंड के हैं ये। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी एट द 80th गोल्डन ग्लोब्स? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्जेंटीना इन 1985, उसके बाद द बेंचीज ऑफ इंश्योरेंस, द फेबलमेंस और RRR। तो इसका सही जवाब है RRR। RRR इज द रेस, इज इन द रेस फॉर द बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश बाफ्टा एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कांतारा RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, छेलो शो हैव ऑल्सो बीन सिलेक्टेड फॉर ऑस्कर्स 2023। द सॉन्ग नाटू नाटू हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर अ गोल्डन ग्लोब for best original song and is also on the Music Academy's shortlist. When was National Trafficking Awareness Day observed? तो 4th January, 9th, 11th या 10th January? इसका सही जवाब है C, 11th of January. 2022 थीम क्या थी इसकी? Use and Abuse of Technology. Use and Abuse of Technology थी। इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स एज वेल एज टू प्रमोट एंड सेफगार्ड देयर राइट्स। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में US से। 11th जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1964 से 66 तक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। ही पॉपुलराइज्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ स्लोगन था। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट ही डाइड ऑन 11th जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान। 2nd अक्टूबर 1904 को इनका जन्म दिवस होता है, मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच सिटी? अहमदाबाद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट होना चाहिए? अहमदाबाद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जवाब है ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में हुआ। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात में हुआ, उत्तरायण। ऑर्गेनाइज्ड गैप ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल बाद ये सेलिब्रेट किया गया गैप के बाद। इनोग्रेट किया CM भूपेंद्र भाई पटेल ने। फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण मार्क्स द डे व्हेन विंटर बिगिंस टू टर्न इनटू समर, सर्दी गर्मी में बदलनी शुरू हो जाती है। 1989 से ये बनाया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल विल आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड इन सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ,
धोर्दो एंड केवड़िया, यहाँ पे भी मनाया जाता है। दिस ईयर काइट लवर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विल अटेम्प्ट टू क्रिएट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट फ्लायर्स एट द सेम टाइम। द फेस्टिवल इज बींग ऑर्गेनाइज बाय गुजरात टूरिज्म ऑन द G20 थीम ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। The 68 countries participating in the event include Australia, Canada, France, Russia, Germany, Greece, Israel, Egypt, Colombia, Denmark, New Zealand, Indonesia, Italy, Mexico, South Africa, Belgium, Bahrain, Iraq and Malaysia. Who received the Lifetime Achievement Award at Jaipur International Film Festival? तो इसका क्या जवाब है? B. Aparna Sen. Veteran actor director Aparna Sen was on Friday honored with the Lifetime Achievement Award at the opening ceremony of the 50th edition, founded 2009 को ये शुरू हुआ और 6 से 10 जनवरी 2023 तक ये चल रहा है। Important facts क्या हैं? साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2022 अनुराधा रॉय जिनको इंग्लिश लिटरेचर में, बद्री नारायण को हिंदी लिटरेचर में और प्रवीण बंदे बांदेकर फॉर मराठी लिटरेचर, ठीक है। यूनेस्को एशिया स्पेसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इनको मिला है। मिस इंडिया USA इन 2022 आर्य वाल्विकर। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। और अटल सम्मान अवार्ड प्रभु चंद्र मिश्रा साइंस एंड रिसर्च में। गृह एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI को मिला है। सर SS राजामौली वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। भारत के राष्ट्रपति ने किस संस्करण का 2022 डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही जवाब है 7th एडिशन। अभी उन्होंने 7th एडिशन निकाला इसका और 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया है। द ई नैम पोर्टल गॉट प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 और ई नैम पोर्टल को दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द प्रेजिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर and judiciary of India and is also the commander in chief of the Indian armed forces. Article 52 से 62 तक जो होता है वो president के लिए होता है। The president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. शपथ ग्रहण की तारीख से लेके 5 तक के लिए होता है। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रामनाथ कोविंद की टर्म थी जो कि 14th थे और अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश फॉर हाउ मेनी डेज। इसका जवाब क्या है? 100। कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ऑल द 762 अर्बन बॉडीज। एम क्या है? Bring urban areas in the state up to global standard. The campaign will focus on urban facilities, improving air quality, better cleanliness and beautification. Important facts: Urban Development and Energy Minister Arvind Kumar Sharma, उन्होंने ये UP Global City launch किया है. Global Investor Summit organized in Lucknow. The तराई एलिफेंट रिजर्व विल बी एस्टैब्लिश्ड इन दुधवा पीलीभीत इन उत्तर प्रदेश। 33rd एलिफेंट रिजर्व टू बी सेटअप इन इंडिया, तराई एलिफेंट रिजर्व यूपी में। अमृत सरोवर्स जो कि यूपी की लेक इन यूपी, अंडर द मोदी गवर्नमेंट्स एम्बिशियस मिशन अमृत सरोवर विच एम्स टू कंजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड स्कीम सून बाय CM योगी आदित्यनाथ। ये अमृत सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 21 विकास परियोजनाओं की आधारशिला का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब है बी मणिपुर में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड 165 फीट टॉल ट्राई कलर ऑफ द हिस्टोरिक आजाद हिंद फौज हेडक्वार्टर्स एट मोइरांग
विच इज़ द टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन. गवर्नर हैं ला गैंसन और चीफ मिनिस्टर हैं एन बिरेन सिंह. फाउंडेशन स्टोन ऑफ 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1311 करोड़ इन मोइरांग मणिपुर. हु इन जनवरी 2023 डेवलप्ड एन अनमैंड एरियल व्हीकल टू कैरी आउट लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस इन द हिमालयन बॉर्डर. बहुत इंपॉर्टेंट है. DRDO ने किया है ये. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एन अनमैंड एरियल व्हीकल टू कैरी आउट लॉजिस्टिक ऑपरेशंस इन हिमालयन बॉर्डर इन जनवरी 23. इट इज़ केपेबल ऑफ फ्लाइंग इन हिमालयन एनवायरमेंट विद अ पेलोड ऑफ 5 kg, even dropping bombs in essential areas. It can also travel in auto mode and carry payloads and return to home location. The multi-copter has exhibited by DRDO at the 108th Indian Science Congress in Nagpur, Maharashtra. Who on 10th January 2023 equaled Sachin Tendulkar's record of most centuries, 20 centuries on home ground in one day in one ODI cricket. तो इसका जवाब है ए विराट कोहली. क्रिकेटर विराट कोहली scored the first century by an Indian in 2023 against Sri Lanka on 10th January 23 with his 45th ODI century. Kohli has equaled Sachin Tendulkar's record for most centuries on home soil in ODI cricket. Kohli scored 20 centuries in 99 innings at home. Thank you for watching. Please like, share, subscribe and our channel.